हेलो फ्रेंड्स, पिंडवाड़ा यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नोट 5 प्रो के जैसे आपके फ़ोन के फ्रंट कैमरा से ब्लर सेल्फी ले सकते हैं। चाहे आप कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप नोट 5 प्रो के जैसे सेम ब्लर सेल्फी ले सकते हैं पोर्ट्रेट मोड के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला, वीडियो देखते रहना। और साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैंने हमारा एक नया चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है पिंडवाड़ा टीवी। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसको भी जरूर जाके सब्सक्राइब कर लेना। उसके ऊपर हैकिंग के वीडियो, फनी वीडियो और गेमिंग के वीडियो मिलते हैं, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही अगर आपने ये चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, और दोनों ही चैनल्स के बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लेना। तो यहाँ पे मैं वीडियो बनाने के लिए Redmi Note 4 फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप ब्लर मोड के अंदर सेल्फी ले सकते हैं। आप चाहे आपके किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर सेम मेथड यूज़ करके ब्लर सेल्फी ले सकते हैं। तो आपने करना क्या, बहुत ही सिंपल है। आपके प्ले स्टोर के अंदर जाना है, यहाँ पर एक ऐप फाइंड करना है, फैबी फोटो एडिटर सेल्फी आर्ट कैमरा। तो इस ऐप को इंस्टॉल करके आपने ओपन करना है। फर्स्ट टाइम ये ऐप आपसे कुछ परमिशन मांगेगी, आपने अलो कर देनी है। तो इसके अंदर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, साइन इन नहीं करना, स्किप भी कर सकते हैं। आगे साइन इन मांगेगा, आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इसकी सेटिंग के अंदर जाके मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है। तो सिंपल, पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो इस ऐप को अभी मैं ओपन करूँगा, मैंने सेटअप कर रखा है। तो यहाँ पे फोटो क्लिक की है मैंने अभी, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसकी जो मेन फीचर है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कैमरा थोड़ा सा हिल गया था जिसके कारण फ़ोटो थोड़ा अच्छा नहीं आया। तो इसके जो मेन फीचर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो ब्लर मोड है उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, अच्छे से फ़ोटो नहीं आया। और Redmi Note 4 के कैमरे का आपको पता ही है कि कितना अच्छा फ्रंट कैमरा। तो आपका कोई भी, चाहे Redmi का जो मी A1 यूज़ कर रहे हैं या कोई और एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर सेम ऐप यूज़ करके अच्छे अच्छे ब्लर मोड के अंदर सेल्फी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे सेल्फी लेता है, ऐसा नहीं है कि आपका फेस कवर कर लेगा, आधा ब्लर कर देगा फेस, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ आपने फ़ोन को हिलाना नहीं है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप सेटिंग करके सेव कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर वाटरमार्क वगैरह भी आ सकता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम इस ऐप को आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करोगे, उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करोगे, तो उन फ़ोटोज़ के ऊपर आपको वाटरमार्क देखने को मिलेगा इस ऐप का। तो उस वाटरमार्क को हटाने के लिए आपने इस ऐप की सेटिंग्स के अंदर जाना है। यहाँ पे वाटरमार्क अनेबल होगा, आपने डिसेबल्ड कर देना है, उसके बाद वाटरमार्क आना हट जाएगा। तो बहुत ही यूज़फुल ऐप है। ऐसा नहीं है कि आपका फेस भी ब्लर कर देगा, ओनली बैकग्राउंड करेगा, वो भी आप सेटिंग कर सकते हो कि कितना आपको ब्लर चाहिए। इतना नहीं कि A1 के जैसे बहुत ज़्यादा ब्लर कर देगा जो बुरा लगता है, अपनी आप खुद की सेटिंग के हिसाब से ब्लर की सेटिंग कर सकते हो कि कितना चाहिए। तो बहुत ही यूज़फुल ऐप है ये। सेटिंग आपको नोट 5 प्रो के अंदर भी नहीं मिलती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।